ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने एक कराटे खिलाड़ी को हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल विकी पांचाल नाम का खिलाड़ी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट विजेता है और कई मेडल भी जीत चुका है। पुलिस को ये सफलता तब मिली जब पुलिस घंटा घर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी और तब पुलिस ने विकी पांचाल को 17 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि विकी पांचाल नाम का ये लोनी से हथियार लाकर गाजियाबाद में सप्लाई करता है और आरोपी विकी पांचाल का कहना है कि उस पर 8 से 10 लाख के करीब कर्ज था, जिसकी वजह से ये काम करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर हमारे ऊपर कर्जा हो गया था, उस कर्जे के चक्कर में मैं इस गलत धंधे में आ गया। कितना कर्जा हुआ था सर? तकरीबन 9.5-10 लाख रुपए। सर जी सर, उधर लोने में देता था 2-4 लोगों जैसे जो जानकार होते थे उन्हीं को। अपना प्रोफाइल बताओ पहले, आप क्या थे? सर मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराता था ब्लैक बेल्ट में और मैं इंटरनेशनल मेडल भी रह चुका हूँ। देखिए विकी पांचाल नाम का एक व्यक्ति है, वो इंटरनेशनल लेवल का जूडो कराटे का प्लेयर है। काफ़ी मुंबई में दिल्ली में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, उनको उसमें मेडल्स जीत चुका है वो। तो वह लोनी में रहता है, कुछ हथियार के सप्लायर्स, हथियार की फैक्ट्री जो बनाते हैं उनके संपर्क में रहता था। तो उससे हमने 17 अवैध असले जो 315 बोर के तमंचे हैं वो बरामद किए हैं। इंटरोगेशन करने पर उसने बताया कि उसके कुछ साथी थे जो हथियार की फैक्ट्री जिन्होंने लगाई हुई थी उनको दिल्ली स्पेशल सेल ने कुछ 7-8 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था, जिनसे पूरी फैक्ट्री बरामद हुई थी। तो उसी के द्वारा उनको यह 4-4 रुपये में ग्राहकों से संपर्क करके। तो बता दें कि रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये हथियार बरामद किए हैं। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट विजेता रह चुका है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है और उसके बाद कर्ज के बोझ तले उसने इस रास्ते को अख्तियार किया है। आरोपी खिलाड़ी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट विजेता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया।